नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। आज बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों से अपने इस चैनल के थ्रू दोबारा मुखातिब हो रहा हूँ। आज ऑनलाइन क्लास में मुझे एक स्टूडेंट ने कहा कि मैंने पता नहीं क्यों कुछ पढ़ाते वक्त कुछ याद आया और मैंने अपनी एक पुरानी कविता की दो लाइनें सुनाई। तो उसने कहा, सर आप खुद कहते हो कि हमारे वेद पुराण जो थे वो सारे पद में थे, पद में जिसे गाया जा सकता था, जिसे जो प्रोज में थे, और जब भी आप कोई चीज़ प्रोज में बोलते हैं तो सीधा दिल पे बात लगती है, और जब आप कोई चीज़ गद्य में कहते हैं, आप टेक्स्ट में कहते हैं, तो दिमाग में बात जाती है, दिमाग में, तो बात दिल पे लगनी चाहिए। तो उसकी बात मुझे अच्छी लगी, मेरे दिल पे लगी, उसके लगी नहीं लगी, मेरे दिल पे लगी। और मैंने सोचा कि ठीक है, जो एक टाइम था मेरा जब मैं अपने आश्रम के प्रवास में था और कुछ समझता था गुरुजी से, कुछ पढ़ा, पुराण पढ़ा, कुछ उपनिषद पढ़ा, कुछ दर्शन पढ़ा, तो पूरा दर्शन इतनी मोटी मोटी किताबें होती थी, लेकिन मैंने क्या ग्रैस्प किया, मैंने क्या उसको पिया, उस दर्शन को, वो फिर मेरे अपने आप ही स्वतः मेरी पोएम्स में वो बाहर आ जाता था। तो मैंने कहा ठीक है, शुरुआत करते हैं इसी से, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी। तो आज मैं जो पहली कविता आपके समक्ष रख रहा हूँ, जो मेरा दर्शन भी है, वो है कोहरे में छिपा जीवन। क्योंकि आप जिसे जानते हो, थोड़ा सा व्याख्या करूँ आपको कि ये सारा जीवन जो है हमारा कोहरे में, कोहरे मतलब कुहासे में, पता ही किसी को नहीं पता कल क्या होगा हमारे साथ, हम पैदा होने से पहले कहाँ थे पता ही नहीं हमें, कि हमारा पिछला जन्म कहाँ था ये नहीं पता, जीवन में क्या होगा, कब क्या होगा, और जब तक कुछ समझ आती है तब तक बुढ़ापा आ जाता है, जब तक बुढ़ापे में कुछ गीता पुराण मतलब समझ आते हैं तो डेथ हो जाती है, तो कुछ पता ही नहीं है। तो इसी भाव को, जब एक कभी रहता एक गुफा में बैठा हुआ था अकेला, तब का मुझे वो भाव याद आ रहा है कि तब मैंने लिखा था कोहरे में छिपा जीवन, इस कविता का शीर्षक है। होने से मेरे कहीं उतंग, उतंग मतलब तीर्व, होने से मेरी कहीं उतंग है मेरे ना होने की इच्छा, मैं बिल्कुल नहीं होना चाहता था। होने से मेरे कहीं उतंग है मेरे ना होने की इच्छा, सबसे बड़ी पराजय मेरे होने में मेरी मैं नहीं, कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कब होऊंगा, इसमें मेरी मैं थी नहीं। तो होने से मेरी कहीं उतंग है मेरे ना होने की इच्छा, सबसे बड़ी पराजय मेरे होने में मेरी मैं नहीं है। बिन मैं के जन्मा कोहरे में छिपा जीवन है, बिन मैं के जन्मा कोहरे में छिपा जीवन है, मैं नियति को रोता तुम्हें मिला आनंद का दिन है। कि जब बच्चा पैदा होता है तो सब लोग आनंद में होते हैं, और जो बच्चा है जो पैदा होता है वो रोता है, तो उसको लिखा है मैं नियति को रोता, क्योंकि बच्चों को कहते हैं अपनी पिछले जन्म की याददाश्त होती है, तो रोता है कि क्या छोड़ के, कितना बड़ा एम्पायर छोड़ के आया हूँ, कितने बीवी बच्चे छोड़ के आया हूँ, परिवार के संबंध छोड़ के आया हूँ, और अब नए परिवार में हूँ जहाँ मुझे कोई जानता नहीं है। तो वो बच्चा कह रहा है कि मैं नियति को रोता, तो मैं तो रो रहा हूँ, और जो रिश्तेदार हैं, जो नए मामा मम्मी पापा हैं, जो नए दादी हैं, उन्हें मिला, तुम्हें मिला आनंद का धन है। तो बिन मैं के जन्मा कोहरे में छिपा जीवन है, मैं नियति को रोता तुम्हें मिला आनंद का धन है। उड़गन सारे उड़ चले, उड़गन मतलब तारे, जैसे होता रात गई बात गई, तो उड़गन सारे उड़ चले जीवन का प्रभात हुआ, कि नया जीवन आ गया। उड़गन सारे उड़ चले जीवन का प्रभात हुआ, पल पल मैंने ज्योति जगाई, एक एक अप्लाई, जैसे होते ना हम औरतों के गुण होते हैं, आदमी गुण होते हैं कि मैंने एमए किया, बीए किया, पीएचडी की, पद्मश्री मिला, ये श्रा, तो मतलब एक एक जो प्रयास किए थे वो एक बारी में बर्बाद हो गए। तो ये लिखा है उड़गन सारे उड़ चले जीवन का प्रभात हुआ, पल पल मैंने ज्योति जगाई, वृथा सब श्रृंगार हुआ, चादर में लिपटा नव में उपादान समान हुआ। कि जब मरा था तब भी चादर में लिपटा था, जब पैदा हुआ तो फिर एक चादर में लिपटा दिया गया, तो चादर में लिपटा नव में, नया में, नया जीवन लिया, उपादान समान हुआ, कफन में सोया मैं था, परिवर्तन सिर्फ नाम हुआ। लालन पालन शिक्षा दीक्षा आरंभ वही काम हुआ, फिर नया जीवन फिर वही शुरू, स्कूल जाओ, प्ले स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, तो वही है लालन पालन शिक्षा दीक्षा आरंभ वही काम हुआ, आना जाना जीना मरना सत्य मृत लोग नाम दिया। ये जीवन ऐसे ही, हम आते हैं, बड़े होते हैं, जीवन जीते हैं, मरते हैं, फिर पैदा होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर मरते हैं। तो इसने लिखा लालन पालन शिक्षा दीक्षा आरंभ वही काम हुआ, आना जाना जीना मरना सत्य मृत्यु लोग नाम दिया। अध्ययन पूर्ण हुआ जब, अब हुआ 20-22 साल की उम्र में आदमी पढ़ाई पूरी करता है, अध्ययन पूर्ण हुआ जब स्वेद जल आचमन किया, स्वेद मतलब नमकीन, हमारा जो पसीना होता है नमकीन होता है, तब पता चलता पसीना बहाना। तो अध्ययन पूर्ण हुआ जब स्वेद जल आचमन किया, शिकस्त दी थी पढ़ाइयों ने, उससे पहले हम जब लड़ते थे क्लास में, कंपटीशन होता था तो और स्टूडेंट के साथ होता था, तो उसमें लिखा है अध्ययन पूर्ण हुआ जब स्वेद जल आचमन किया, शिकस्त दी थी पढ़ाइयों ने, अपनों ने काम तमाम किया, बंधन बंधन फिर बंधन फिर बंधन, पहले पढ़ाई का बंधन, फिर पढ़ाई के बाद नौकरी का बंधन, नौकरी के बाद विवाह का बंधन, विवाह के बाद बच्चों का बंधन, तो वही है बंधन बंधन फिर बंधन, गर्म लहू को शीत किया। कहते हैं ना जवान बच्चे का खून गर्म होता है लेकिन बाद में ठंडा हो जाता है, तो ठंडा होता क्यों है इन बंधनों से। बंधन बंधन फिर बंधन,
गर्म लहू को शीत किया, रश्मि रथ को मानू शीत कणों ने भीज ले, होते ना कि उगता हुआ सूरज और एकदम बादल आ जाए तो सब उसकी ऊष्मा खत्म हो जाती है। स्वप्न में छाई धुंध, अब सपने धुंध में छा गए हैं। भविष्य में तुषार पात हुआ, तारा कोई शून्य गगन में पीड़ित व्यथित दिग्भ्रांत हुआ, कि जो अकेला तारा कोई शून्य में हो उसको पता ही नहीं मुझे कहाँ जाना है, करना क्या है, प्रयोजन क्या है। मृत्यु ने फिर वर्ण किया, और जब तक उसको सोचा जाना परखा सीखा तो मृत्यु ने फिर वर्ण किया, नहीं ऐसा अपमान हुआ, बिन मैं के मैं जन्मा, मैं पूछे बिन अफसान हुआ, नहीं जानता कौन है, कोरे में छिपा जीवन है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।